इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमसाल हज के में जो गर्मी से अमवात हुई है उसके ताल्लुक से जो झूठी खबरें अफवाहें फैली हुई थी उसके ताल्लुक से बहुत सारे पत्रकारों ने यहाँ के तासुरात मांगे थे। उन तासुरात के बाद लोगों ने कहा कि बहुत सही मालूमात हमें मिली। अभी हमारे ख़ास तौर पे अब्दुल कय्यूम नदवी साहब, अब्दुल गफूर साहब और लिया सिद्दीकी साहब ने खसूसी तौर पे गुजारिश की कि सर चंद जुमलों में कुछ ऐसी बातें बताएं ताकि आने वाले साल में हुजाज़ कराम को इसका फ़ायदा हो कि हज कमेटी से हज करें या टूर से हज करें वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो पहला मैं यही कहूँगा नौजवानों से कि आप जितने जल्दी हो सके हज का इरादा करें और अपना पासपोर्ट और अपनी फैमिली का पासपोर्ट अपडेट रखें, बना कर रखें और अपने माँ बाप के साथ हज करने की कोशिश करें। बूढ़े माँ बाप को जिनकी उम्र 50, 55, 60 है उनको कतई कतई जो है माँ और बाप को हज पर ना भेजें बल्कि उनके साथ कोई ज़िम्मेदार नौजवान जो है साथ में रहे। और आप जब हज का इरादा करें तो अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आपकी इस्तेदाद है, तो आप प्राइवेट टूर से हज करें। भले ही आपका टूर का पैकेज जितना भी टूर का पैकेज रहे लेकिन उसमें ये देखें कि टूर के साथ जो ज़िम्मेदार शख्स रहेगा उसका तजुर्बा कितना है। जैसा कि हम लोगों ने अलफिरदौस से मतलब हज की बुकिंग कराई थी, इसमें हमारे जो ज़िम्मेदार हैं सरपरस्त हैं हाजी उस्मान जमादार साहब, इनका 40 साल का तजुर्बा है। ये मक्का मदीना की गलियों से वाकिफ़ है, अंग्रेज़ी लैंग्वेज से वाकिफ़ है, अरबी बहुत अच्छा बोलते हैं। इनकी रहबरी में, इनकी क़यादत में हमें बहुत सारी सहूलतें मुयस्सर आई और बहुत कुछ जो है सीखने मिला, देखने मिला, समझने मिला। रोज़ाना इनकी रहबरी, क़यादत और बयान वगैरह की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ, हज कमेटी से जो लोग हज करना चाहते हैं माशाल्लाह हज कमेटी की भी बहुत अच्छी सहूलतें हैं, लेकिन मेरी नाकिस राय ये है, मेरा तजुर्बा ये है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, जो मुशाहिदा किया है कि हज कमेटी से अगर आप हज कर रहे हैं तो आपकी फ़ैमिली के 4 या 5 मेंबर जो है एक साथ जो है वो फॉर्म भरें, क्योंकि हज कमेटी में जहाँ पर लोगों को खड़ा किया जाता है, रखा जाता है, वो अज़ीज़िया नामी इलाका है और अज़ीज़िया नामी इलाका जो है वो हरम शरीफ से 8 से 9 किलोमीटर दूर है। अगर आप हरम शरीफ से अज़ीज़िया जाते हैं तो वहाँ फ्री बस सर्विस है। हरम शरीफ से आपको बस में बैठकर कुदई जाना पड़ता है, फिर वहाँ से 4 किलोमीटर के बाद दूसरी बस होती है जो आपको आपके होटल के पास पहुँचाती है। 4-5 होटल को मिलाकर एक बस स्टॉप बनाया जाता है और बसेस को नंबर दिया जाता है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और हुकूमत हिंद की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से खादिमुल हज्जाज की एक बड़ी टीम होती है, ऑफिसर्स की एक बड़ी टीम होती है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। वहाँ पर ये दिक्कत है कि आपको अपने हाथों से बनाकर खाना है। वहाँ पर अगर साथ में फैमिली के 4-5 मेंबर रहेंगे तो आसानी होती है। 3 रूम में एक किचन दिया जाता है, एक गैस टाकी दी जाती है। इसके अलावा जो हज के 5 दिन हैं 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 दिन का जो सफ़र है ये तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर आपको चलना है। और इसमें चलने के अलावा जो है 3 ऐसी सहूलतें हैं, आप या तो पैदल जा सकते हैं, अरफात हो, मीना हो, मुजदलफा हो, हरम शरीफ हो, ये तमाम मुकामात पर आप या पैदल जा सकते हैं, मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं या बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 दिन बड़ी दिक्कत बड़ी मशक्क़त के हैं। इसमें सब में इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप जो भी करें अपने ज़िम्मेदार जो हज कमेटी के ज़िम्मेदार हैं या जो टूर के ज़िम्मेदार हैं उनकी रहबरी में करें, उनको पूछ कर करें। यहाँ एंट्री करते ही आपको सऊदी हुकूमत की जानिब से एक छतरी दी जाती है, एक छोटा सा फ़ैन गिफ्ट दिया जाता है, खाने के पैकेट दिए जाते हैं। इसके अलावा होटल पहुँचते ही आपको नुसूक कार्ड दिया जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है वैसा नुसूक कार्ड होता है। ये नुसूक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अज़ीज़िया के कुछ साथी जो है दूसरे तीसरे दिन ही नुसूक कार्ड घर पर छोड़कर वो करीब की मस्जिद में नमाज के लिए गए थे, फिर वहाँ पर उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस उन्हें जिद्दा लेकर चली गई। बड़ी मशक्क़तों से, दिक्कतों के बाद उन्हें दूसरे दिन जो है वापस आना पड़ा। सब लोग इसमें परेशान हो गए। फिर इसके अलावा जो टेम्परेचर का जो मामला है, हमारा टेम्परेचर जो 40 से 42 होता है, यहाँ का टेम्परेचर 50-52 से लेकर 55 तक चलता है। हम AC में रहने के आदी नहीं होते, यहाँ पर बस से लेकर हर जगह AC होता है, अंदर AC होता है, बाहर टेम्परेचर होता है। तो इसमें आप एक कोशिश ये करें कि हज का जब इरादा करें तो आप चलने की मशक करें, कम से कम आप बगैर थके जो है 10 से 15 किलोमीटर जो है आप वो चलने की मशक करें। इसके लिए आपको बहुत आसानियां होंगी। इसके अलावा हज जो है वो रिलीजियस टूरिज्म नहीं है बल्कि एक ईमान की कैफियत का मामला है, दिल की कैफियत का मामला है। जब आप हज का इरादा करें तो उसी दिन से तौबा करें, उसी दिन से दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेरे वालिदैन के साथ हज नसीब फरमा, मेरी फैमिली के साथ हज नसीब फरमा और इसे आसान फरमा और कबूल फरमा। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह वो फिर कभी किसी वक्त जो है वो कहने का मौका मिला तो बताई जाएंगी। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।
वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और सवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहां नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना, जिसमें टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स हैं, राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज़ तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए टैक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे, अजान और कीरत कॉम्पिटिशन, वेजिटेबल मार्केट डे, वुजू डे, सलाह डे, मैथ्स क्विज, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बस फैसिलिटीज शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।